वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार देखेंगे भारत के। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार और साथ ही साथ हमने जैव आरक्षित क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने वन्यजीव अभयारण्य देखे थे। आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज का ये पार्ट रहेगा और ये जो वीडियो है आपकी सभी स्टेट पीसीएस, चाहे आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका वन डे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी ट्रिपल एससी पीटी वालों को भी देखना है, यूपीपीएससी आरओआरओ वाले और यूपीपीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा जिनकी अभी जुलाई में संभावित है, तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में, सारे सब्जेक्ट के। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल फॉलो करें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले कथन दिया गया है, किसी भी आरक्षित वन या फिर प्रादेशिक जल में शामिल क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। तो राज्य सरकार इसको अधिसूचित करती है यदि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और वन्य जीव या फिर उसके पर्यावरण की रक्षा और प्रचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कोई भी अगर किसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो फिर राज्य सरकार उसको अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर सकती है उस क्षेत्र को। वन्य जीव अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवरों के आवास और परिवेश को किसी भी प्रकार की अशांति से बचाया जाता है। कई स्थानों पर अवैध शिकार, हत्या, जानवरों को पकड़ने पर खुले तौर पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वे जानवरों को शांतिपूर्ण अस्तित्व प्रदान करना चाहते हैं, तो उद्देश्य यही होता है कि जानवर भी अपने आवास में, परिवेश में शांतिपूर्ण तरीके से रह सके, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, अवैध उनका शिकार ना हो, हत्या ना हो और उनको पकड़ा ना जाए। तो किसी भी तरीके का उनके जो परिवेश है उस पर हनन ना किया जाए, उनको शांति, जैसे कि हम अपने परिवेश में शांति से रहते हैं ऐसी ही उनको शांति प्रदान करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। भारत के वन्यजीव अभयारण्यों को IUCN श्रेणी 4 संरक्षित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो IUCN की जो लिस्ट है उसमें श्रेणी 4 के तहत संरक्षित क्षेत्र में भारत के वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने राज्य सरकार को विशिष्ट क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दी है यदि उन्हें पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति विज्ञान और प्रकृति का मूल, प्राकृतिक मूल्य का समझा जाएगा। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत में स्थापित होने वाला पहला अभयारण्य था। तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है सीधे तौर पर प्रश्न बना है, MPBSC ने पूछा है, UPBSC ने पूछा है, वन डे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, असम में है। तो मानस नाम से याद रखें असम, 3 वर्ड मानस में है और 3 ही अक्षर असम में है और सासा ऐसे सम नस ऐसे करके याद कर सकते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व सभी के रूप में कार्य करता है। तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में भी शामिल है मानस वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य तो है ही है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है, हाथी रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पर सभी के रूप में ये काम कर रहा है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अगला तथ्य है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एक बाघ राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, तो ये बाघ यहाँ पर जो है बाघों के रूप से ये अच्छा जो क्षेत्र है या फिर कहें राष्ट्रीय उद्यान है, तो बाघों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला कथन दिया गया है, गाहिर माथा हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने का स्थान है और गाहिर माता कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इससे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक तो गाहिर माता का तट याद रखें हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ता है, याद रखें। दूसरा है उड़ीसा में एकमात्र कछुआ अभयारण्य भी है यहाँ पर है और यह दुनिया में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। गाहिर माता को इसके पारिस्थितिक महत्व पर विचार करने और समुद्री कछुओं को बचाने के प्रयासों के तहत 1997 में उड़ीसा सरकार द्वारा कछुआ अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है, हिंद महासागर, अभी उड़ीसा यहीं कहीं पड़ता है यहाँ पर, तो हिंद महासागर लग जाता है, ये अरब सागर है इस तरफ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो याद रखना है इसको
कि ये ऑलिव रिडले कछुओं का एक बड़ा क्षेत्र है, उनका घर कह सकते हैं, गृह स्थान कह सकते हैं। यहाँ पर आकर वो क्या करते हैं, मतलब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर घोंसला बनाने का क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यहाँ पर उनका प्रजनन होता है और यहीं पर वो बड़े पैमाने पर अपनी संख्या भी, उनकी वृद्धि होती है। तो इसको एक हिसाब से अब यहाँ पर क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण कई सारी जो इनकी संख्या है उसमें भी हानि हो रही थी, तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि इनकी जो मृत्यु है उसको कम किया जा सके, उनको बचाया जा सके, इसके लिए काफ़ी काम भी किया जा रहा है। तो ऑलिव रिडले कछुओं से संबंधित याद रखना है, कहाँ पर किया जाता है, गाहिर माथा याद रखना है, गाहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और दूसरी चीज़ याद रखें कि ये कहाँ पर, हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ता है, क्लियर है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत में पक्षी अभयारण्य, ये हम पढ़ेंगे। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास बेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य है। इस अभयारण्य की स्थापना 1798 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी अभयारण्य जिसे केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है, राजस्थान में। रायगंज वन्यजीव अभयारण्य जिसे कुलिक पक्षी अभयारण्य कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के पास में है। कुमार कुम पक्षी अभयारण्य को बैम्बनाड पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है और यह केरल की प्रसिद्ध बैम्बनाड झील के पास में अवस्थित है। इसके बाद भारत के और पक्षी अभयारण्य हैं और अलग अलग राज्य, चलिए देखते हैं इनको। कदलुनी पक्षी अभयारण्य केरल में है। सरसई नावर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। कुमार कुम पक्षी अभयारण्य केरल में है। मंगल वनम पक्षी अभयारण्य ये भी केरल में है। पाथिर मनल पक्षी अभयारण्य ये भी केरल में है। थट्टेकर पक्षी अभयारण्य ये भी केरल में है। तो ये एक साथ केरल के सारे पक्षी अभयारण्य यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, सरसई नावर बैटलैंड, लाग बाहोसी, नवाबगंज, ओखला, पटना पक्षी अभयारण्य और समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य और सांडी पक्षी अभयारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए अलग से एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य, वन विहार, सारी चीज़ें कवर की थी, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो। इसके बाद दिल्ली में एक पक्षी अभयारण्य जो याद रखना है, नजफगढ़ ड्रेन पक्षी अभयारण्य, थोड़ा अजीब सा नाम है, नजफगढ़ ड्रेन पक्षी अभयारण्य, इसको याद रखें। बिहार में है नागी बांध पक्षी अभयारण्य और गोवा में सलीम अली, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके बाद गुजरात की कुछ याद रखना है, गागा वन्यजीव अभयारण्य, खिजड़िया और कच्छ बस्टर्ड नल सरोवर, यहाँ से प्रश्न बना है। पोरबंदर पक्षी अभयारण्य और थोल झील, ये सारी गुजरात में है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चिंतामुनि कर पक्षी अभयारण्य, कुलिक पक्षी अभयारण्य रायगंज और रशिक बिल पक्षी अभयारण्य। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एक और है, ठसराना पक्षी अभयारण्य, धनोरी वेटलैंड जिसको कहा जाता है। बाशना पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में है और नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य ये महाराष्ट्र में है। होकरा वेटलैंड याद रखें, होकरा जम्मू कश्मीर में है। लैंगटेल वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है। चिल्का से तो जाने कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। इसके बाद अगला है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये हरियाणा में है, और खापरवास दोनों ही हरियाणा में है। गमगुल पक्षी अभयारण्य ये हिमाचल प्रदेश में है। अत्तिवेरी कर्नाटक में है। बांकापुरा, बोनाल, गुडवी और कग्गालाड़ ये सारे कर्नाटक के पक्षी अभयारण्य हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा मगदी भी कर्नाटक में है। मंदागट्टी कर्नाटक में है। पुत्तेनहल्ली झील है एक, ये भी कर्नाटक में है। और रंगनाथ थिडू पक्षी अभयारण्य ये सभी कर्नाटक में है। ये सभी अभयारण्य पक्षी अभयारण्य जो है ये कर्नाटक के हो गए। अब यहाँ पर राजस्थान के जो प्रश्न पूछा गया है, केवला देव से बहुत बार प्रश्न बना है, चिल्का झील से बता ही दिया, याद रखना है राजस्थान में है, और ताल छापर भी राजस्थान में है। इसके बाद कुछ तमिलनाडु के, चित्रागुंडी, कांजी रन कुलम पक्षी अभयारण्य, कूथन कुलम पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभयारण्य और उदय मारथंड पुरम पक्षी अभयारण्य, ये सभी तमिलनाडु के हैं। बेदाथंगल यहाँ से प्रश्न आ चुका है, बेल्लोर पक्षी अभयारण्य, बैटांगुडी पक्षी अभयारण्य, ये सभी तमिलनाडु के हो गए। मयानी करनाल ये महाराष्ट्र के हैं और महान भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा नंदूर पड़ा था आपने अभी ऊपर कहीं पर, ये है नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये भी महाराष्ट्र का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के अटापाका पक्षी अभयारण्य और नेलापट्टू, पुलिगढ़ झील, श्री पेनुशिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य और उप्पल पाड़ू पक्षी अभयारण्य, थोड़ा अजीब से नाम है लेकिन याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पुलिगढ़ झील से प्रश्न बन चुका है और ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं। यहाँ कर्नाटक के पढ़ लिए, ये तमिलनाडु के हो गए, महाराष्ट्र के एक, महाराष्ट्र का ये है, गुजरात के आपको कितने ये दिए गए हैं, सारे गुजरात के, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, इनको याद जरूर कर लें, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने भारत के पक्षी अभयारण्य देख लिए और भारत के वन्यजीव अभयारण्य देख लिए। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो
अगला टॉपिक दिया गया भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम अगले वीडियो से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, उसको फॉलो कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और एप्लीकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से जाकर इंस्टॉल कर लें और अपने एग्जाम की जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी PDF ले सकते हैं 20% डिस्काउंट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।